बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबकी खैर रखे, सबका भला करे, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो ये आप देख रहे हैं वन एंड टू डॉलर शॉप, तो जी ये मेरे पास में भी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बड़ा इंतज़ार था कि मैं ये जल्दी से आई तो हम शॉपिंग भी करें और आप लोगों के साथ भी शेयर करें। तो जिन लोगों को अभी तक नहीं पता तो वो जल्दी से जाइए और फ़ायदा उठाइए। जी हैदराबाद रोड पर वन डॉलर शॉप जो है आ गया है यहाँ पर, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है और सेंड तक देखिएगा, कोई भी चीज़ मिस नहीं करिएगा, वरना बाद में ये ना हो कि ये भी था क्या वहाँ पर। तो इसलिए प्लीज़ पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या था, और जो भी चीज़ें थी सारी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें थी। मैं आपको मज़े की ये बात बताऊँ कि वहाँ पे जो भी औरतें थी उनको यकीन नहीं आ रहा था कि ये वन डॉलर में है, तो वो फिर भी प्राइस पूछ रही थी कि इसके क्या प्राइस हैं। और एक दो दफ़ा तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो, हम लोग जाहिर सी बात है हम लोग को आदत है कि हम लोग पूछ लेते हैं प्राइस, तो हमें पता था कि वन डॉलर में है, फिर भी हम पूछ रहे थे कि जी इसके क्या प्राइस हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, आइए। और ये तीन पोर्शंस में थी पर बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश था, तो जितना मुझसे हो सका मैंने बना ली वीडियो। और इसलिए क्योंकि मुझे जाहिर सी बात है यूट्यूब जो है मेरी फैमिली है, तो फैमिली को दिखाना तो लाजमी है ना जी। तो इसलिए जितना मुझसे बन सका मैंने बनाया, और आप देखिए और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपको मिल्को खास की वन डॉलर शॉप कैसी लगी, मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। तो मेरे साथ बने रहिए, आइए। और यहाँ पर क्या चीज़ जो ऐसी थी जो नहीं थी, मतलब कि हर चीज़ थी, हर चीज़ जो आप देख रहे हैं हर चीज़ थी, कि बंदा सोचे कि यार ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, मतलब सब दिल कर रहा था लेने का। तो चलिए ऊपर चलते हैं और ऊपर का भी दिखाते हैं। अभी आपने नीचे का देखा है मंज़र, फिर ऊपर से होकर आते हैं, पहले ऊपर देखते हैं कि क्या क्या है, उसके बाद फिर वापस से नीचे आएंगे और आपको फिर दिखाएंगे कि नीचे और क्या क्या था। तो चलिए मेरे साथ आप ऊपर। जब मैं ऊपर चढ़ रही थी तो ये एक मंज़र था जो कि वॉल पे सब चीज़ें लगी हुई थी, तो मैंने इसको भी जो है अपनी वीडियो में ले लिया ताकि मैं आपको भी दिखा दूँ। ये बहुत अच्छे लग रहे थे और ये सारी वॉच जो एक वॉल पे लगी हुई थी तो बहुत ही अच्छा लुक देख रही थी और कलरफुल थी, काफ़ी अच्छी थी। तो ये मैं अभी ऊपर आई थी और ऊपर से मैं आपको दिखा रही हूँ कि नीचे से ऐसा दिख रहा था ये, ठीक है। तो अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ ताकि ऊपर देखते हैं कि ऊपर क्या क्या है। आइए मेरे साथ, और कहीं भी नहीं जाइएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि ये मैंने आप लोगों के लिए जो है इतनी देर वीडियो बनाई है सिर्फ आप लोगों के लिए। तो इसको पूरा देखिएगा, और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और प्लीज़ इसको शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए कि मीरपुर खास में भी वन एंड टू डॉलर शॉप आ चुकी है, ठीक है। तो आइए देखिए मेरे साथ कि यहाँ और क्या क्या है। वाओ ज़बरदस्त, आप ये देख रहे हैं कि बहुत ही मतलब अच्छा। यहाँ पे ऐसा था कि एक पोर्शन जो था वो ग्लास की चीज़ें थी, एक में सारा प्लास्टिक का था और एक में एक साइड पे स्टील का सारा सामान था, तो बहुत ही ज़बरदस्त था। और ये आप देख रहे हैं कि जब आप इसको खुद जाके देखेंगे ना, वीडियो से ज़्यादा रियल में अच्छा था कि आप जब इसे खुद जाके देखेंगे तो आपका दिल करेगा कि आप हर चीज़ ले लो। मतलब ये तो इतना अच्छा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो गर्ल्स होती हैं या लेडीज़ जो होती हैं तो उन्हें तो किचन के लिए वो तो मतलब कहना चाहिए कि बिल्कुल क्रेज़ी होती हैं, और उनका दिल करता है कि वो जब चाहें उनको जहाँ कुछ अच्छा दिखे वो फ़ौरन से ले लें। तो जाहिर सी बात है हर लड़की को और हर लेडी को यही शौक़ होता है कि अपने किचन में जो है हर चीज़ नए से नए होनी चाहिए, और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पर इतनी अच्छी चीज़ें भी मिल जाएंगी और वो भी सिर्फ वन डॉलर में। ये देखिए, तो अभी तक जो लोग नहीं गए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाइए, और मीरपुर वाले भी जाइए, और मीरपुर के अलावा जो भी दूसरे शहरों में भी है तो वो भी जाइए और विज़िट कीजिए और शॉपिंग कीजिए, बहुत अच्छे से इंजॉय कीजिए उस शॉपिंग को, और एक एक करके आप बहुत सारी चीज़ें ले लेंगे क्योंकि आपसे रहा ही नहीं जाएगा। और अभी आप आगे एक चीज़ देखेंगे जो कि मुझे
बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। अच्छा ये देखिए, पेंटिंग भी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही ऑसम थी ये, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। और जो इसके बाद है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी मुझे लगी थी, तो आप देखिए उसको, क्योंकि अगर आप इसे एक प्लेन वॉल पे लगाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। ये देखिए सेकंड वाली तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। अच्छा इधर सभी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त थी, पर एक चीज़ देखे तो मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गई, क्योंकि वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा मेरे जो जिस पर्सनालिटी की वो चीज़ थी, तो वो पर्सनालिटी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं आपको वो अभी दिखाऊंगी, उसको उस सीन को मिस नहीं कीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। तो वो जब मैंने देखा तो मैंने कहा वाह यार ये यहाँ पे ये भी है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। और ये यहाँ पे सारा मतलब गिफ्ट्स थे, लैम्प, टिश्यू बॉक्स, हर चीज़ यहाँ थी, कैंडल्स वगैरह और पता नहीं ना जाने क्या क्या। तो आप देखिए वीडियो में, और ये मैं आपको फिर बताऊं कि ये रियल में देखने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है ना, रियल में और वीडियो में। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वीडियो में अच्छी लगती हैं पर रियल में नहीं होती, और कुछ रियल में अच्छी होती हैं वो वीडियो में अच्छी नहीं होती, पर इनको मैंने जाहिर सी बातें खुद ही देखा है तो ये बहुत अच्छी थी सारी चीज़ें। और ये जो छोटा सा झूला था, एक शॉपिस, एक डेकोरेशन पीस था, उसको मैंने हिला दिया, मैंने कहा जी आप थोड़ा सा झूला झूल लें, आप बैठे हैं तो झूले में, तो मुझे बहुत ही क्यूट लगा ये। तो ये दो छोटे छोटे से डॉल्स बैठी हुई थी फ्रेंड्स, तो मैंने उनको झूला दे दिया, मैंने कहा आप झूला झूले इंजॉय कीजिए। तो खैर ये तो वहाँ की सारी चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं। अच्छा अब जो आपको मैं एक जो मैंने आपको बताया कि जो मेरा बहुत ही फेवरेट पार्ट है, ये देखें सुभान अल्लाह कितना प्यारा अल्लाह का और मोहम्मद का नाम है जो लिखा हुआ है। और ये देखिए आप, क्योंकि वहाँ पर डेकोरेशन पीस भी बहुत अच्छे थे कि जब आप लें तो बड़ा मज़ा आएगा आपको देखने में। और वहाँ पे तुगरा और क्या बताऊँ कि हर चीज़, लैम्प से लेके किचन से लेके फ्लावर्स, मतलब क्या कुछ था जो वहाँ नहीं था, हर चीज़ थी वहाँ और बहुत ज़बरदस्त थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो मैं फिर कहूँगी कि जो लोग नहीं गए वो जल्दी से जाइए और $1 में सब कुछ ले जाके, और आपको भी हो सकता है कि पूछना पड़ जाए कि जी ये कितने का है, तो उसके प्राइस क्या है। तो खैर ये देखिए हर चीज़ यहाँ पे अच्छी थी बहुत ज़्यादा। तो जो मेरा फेवरेट पार्ट है उसमें बने रहेगा। ये कैंडल्स देखें बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही अच्छी थी। तो जब आप इनको मतलब लेंगे तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे, आप जहाँ पे भी इसे रखें, बड़ा ज़बरदस्त था हर चीज़। और प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देते रहिए और मुझे बताया करें प्लीज़ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मेरी जो लोग भी पोइट्री सुनते हैं, जो लोग भी पसंद करते हैं, तो प्लीज़ उसको भी मुझे कमेंट करते रहा करें। और मेरी वीडियोस पे भी आप जो है लाइक करना प्लीज़ ना भूला करें, क्योंकि लाइक करने में कितनी देर लगती है। अब तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें यार, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ठीक है। तो जी ये आप देख रहे हैं वीडियो, और ये सारा पोर्शन जो था, समझ लें कि ये गिफ्ट सेंटर था, एक तकरीबन सारी चीज़ें यहाँ गिफ्ट्स की थी और सारी ही तकरीबन मिक्स थी चीज़ें और बहुत अच्छी थी। और ये मग्स वगैरह बहुत अच्छे थे सिर्फ $1 में। तो आप भी जाइए, मैं तो यही कहूँगी कि जाइए और मज़े कीजिए, शॉपिंग कीजिए $1 में, और मेरे साथ बने रहिए। और अभी आगे और बहुत मज़ा आने वाला है आपको, तो कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। आइए
मैंने सोचा बाहर का मंजर भी दिखा दूं आपको, और जो लोग आउट ऑफ सिटी या कंट्री वाले हैं तो उनको मैं बता दूं कि इस रोड का नाम है हैदराबाद रोड, और ये हैदराबाद रोड पर ही $1 स्टोर है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको नीचे की एक झलक दिखाई थी, और ऊपर मैं लेकर आई आपको फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि अभी आपने आधी झलक देखी है, अभी आधी झलक देखना बाकी है। और मेरी वो मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी थी, तो चलिए ताकि मिस नहीं कीजिएगा, आइए मेरे साथ बने रहिए। और आप जाहिर सी बात है कि इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो छोटे बच्चे जिनके हैं वो भी लाजमी चाहिए, क्योंकि $1 में ही बहुत अच्छा टॉय उनको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे टॉयज थे वहाँ पर, क्योंकि हम और दूसरी जगह पे मॉल्स में कहीं जाते हैं और फिर बच्चे जब ज़िद करते हैं उनको वो हम नहीं दिला पाते, तो यहाँ पे $1 में आप सब कुछ ले सकते हैं। और जाइए और इन्जॉय कीजिए अपनी शॉपिंग को। और आप लोग जो दूसरे शहरों में रहते हैं वो भी, उनके वहाँ पर भी जो इसके ब्रांच हों तो वो भी ज़रूर विज़िट कीजिए। बाकी शहरों का तो मुझे नहीं पता कि वहाँ कैसी थी, पर मुझे एक मिली थी तो उन्होंने कहा कि हमने ये एक दूसरी सिटी में उन्होंने देखा था वहाँ, तो उससे भी कहीं ज़्यादा ये मिरपुर वाला जो स्टोर है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और उन्होंने कहा कि हमारा माल जो है वो लाहौर से आया है अभी, तो कल मतलब आपको पता है कि यहाँ पर फ्राइडे को लॉकडाउन होता है, तो जो लोग भी सैटरडे को जाएंगे वो बहुत फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि लाहौर से और माल आया है और लगेगा वहाँ पर। तो बस शॉपिंग कीजिए, एंजॉय कीजिए। और बाकी शहरों का मैं फिर कहूँगी कि मुझे नहीं पता कि वो कैसे थे, पर मेरे शहर में जो आया है वो बहुत ही अमेजिंग आया, ज़बरदस्त है। तो जल्दी से जाइए और फ़ायदा उठाइए, और $1 में सब कुछ ले लीजिए आप। और मुझे ये बताइए कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है मिरपुर खास में, आप लोग अभी बताइएगा मुझे कि आपके शहर में या आपके मुल्क में कैसा मौसम है, तो मुझे ये भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो हम तो जाहिर सी बात है शाम में गए थे, तब अच्छा मौसम था, टाइम थोड़ा सही था, तो मतलब अच्छा लगा, शाम में तो मौसम थोड़ा सही होता है। और जी अब ये देखिए आ गया मेरा फेवरेट पार्ट, अब आप इसको पहचान तो गए होंगे, दुर्गत याद होगा जिसने भी देखा होगा। तो ये कुल्हाड़ा जो है बहुत ही ज़बरदस्त है, मुझे इतना पसंद था ये जब मैंने ड्रामे में देखा था, तो इधर मैंने देखा, मैंने कहा यार यहाँ ये भी है, ज़बरदस्त। तो जिसने भी ये ड्रामा देखा है वो ज़रूर पहचान गया होगा इसको, तो मुझे ये कुल्हाड़ा बड़ा अच्छा लगा था। और यहाँ पर जो था इस तरह से, मतलब वो मतलब एक ट्राय में था बच्चों के, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो मैंने इसकी मतलब ख़ास तौर पर जो है इसको इसका स्लो मो लिया, तो वो भी बने रहिएगा मेरे साथ, देखिए 10 चीज़ें हैं उन्हें मिस नहीं कीजिएगा। और मैं आपको नीचे जो मज़ीद चीज़ें रह गई थी बहुत ज़बरदस्त ही देखने बाकी, तो वो मैं आपको लेके चलती हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा, कहीं भी बिल्कुल नहीं जाइएगा, हिलिएगा भी मत, ठीक है। और आराम से मज़े से मेरी वीडियो को इंजॉय कीजिए। चलिए आइए अब हम नीचे भी चलते हैं। तो जी ये हम आ गए हैं नीचे, और ये है सब नीचे का मंजर, और यहाँ पे बच्चों के कपड़े और स्कार्फ, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, और पता नहीं ना जाने यहाँ पे क्या क्या था, बहुत सारी हो सकता है मुझसे चीज़ें मिसिंग भी हुई होंगी, क्योंकि बहुत रश भी था, और मोबाइल की भी चीज़ें थी जी यहाँ पर, तो मैं बड़ी हैरान हुई कि मैंने कहा यार यहाँ तो हर चीज़ ही है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो यहाँ आपको ना मिले। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें थीं, और जितना मुझसे हो सका मैंने वीडियो में अपने शूट किया। और मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में ये बात बताई है कि मैं पहले परमिशन लेती हूँ, परमिशन मिल जाती है तो वीडियो शूट हो जाती है, और वरना परमिशन नहीं मिलती तो मैं कभी भी परमिशन के बिना वीडियो नहीं शूट करती। तो क्योंकि बहुत सारे जो लोग आउट ऑफ कंट्री हैं या सिटी हैं, वो लोग चाहते हैं मेरे शहर को देखना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उन्हें
दिखा सकूँ। तो जितना मुझसे पॉसिबल होता है मैं दिखाती हूँ, वीडियो शूट करती हूँ। तो ये आप देख रहे हैं और ये आप लोगों के लिए ही मैंने पूरी वीडियो को शूट किया ताकि आप लोगों के साथ शेयर की जाए और आप देख सकें कि जी हमारा मीपुर ऐसा है और हमारे मीपुर में क्या क्या है, क्या क्या मिलता है। हर तरह की, हर शहर में चीज़ें होती हैं, छोटी बड़ी अच्छी बुरी सब तरह की चीज़ें होती हैं। तो जो भी होता है मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको दिखा सकूँ। तो ये अभी इसको ओपन हुए हुए शायद 1 वीक ही हुआ है, तो मुझे जैसे ही पता चला तो मैं यहाँ गई और शॉपिंग भी की और वीडियो शूट भी की। बहुत सारी चीज़ें मुझसे मिसिंग भी होंगी क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। तो आप लोग मुझे प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और $1 शॉप आपको कैसी लगी मेरे प्रकाश की, ठीक है। और आप जानते हैं कि मेरी हर वीडियो जो है डिफरेंट होती है क्योंकि मेरी किसी भी एक टॉपिक पे वीडियो नहीं होती। किसी में अनबॉक्सिंग होती है, किसी में मेरी कोई हॉबी, किसी में मेरी हॉबी होती है और कुछ जो मैंने चीज़ें शॉपिंग की होती हैं वो आपसे शेयर होती हैं। मैं कोई इवेंट अटेंड करती हूँ तो वो आपसे शेयर करती हूँ, या जो भी मेरे शहर में हो दिखाने का मतलब जो मेरे लिए पॉसिबल होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। और सबसे ज़्यादा जो मेरा फेवरेट मेरी हॉबी है पोइट्री, तो वो लोग भी वो भी आपने देखी है, मतलब सुनी है आपने। तो बस उन सबको पसंद करने का और इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप मेरी दुआओं में रहते हैं, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। और जो आप अभी ये पोर्शन देख रहे हैं ना, यहाँ पे सब कॉस्मेटिक था और ज्वेलरी थी। और आपको पता है लड़कियाँ जो हैं वो जब तक उनको कॉस्मेटिक का कुछ ना मिले या ज्वेलरी ना मिले तो उनको मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे मतलब कॉस्मेटिक भी था, ज्वेलरी भी थी, और मैंने फिर वही कहूँगी कि यहाँ पे हर चीज़ थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो यहाँ ना थी। आज की वीडियो जितना हो सका मैंने इसको शूट किया और हो सकता है बहुत सी चीज़ें इसमें मिसिंग होंगी, तो मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मिलेंगे कुछ नया लेकर। तब तक अपना, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।